मौर्य साहब मुश्ताक मलिक को जो है सो 20 लाख रुपए हैंड लोन दिए थे, वो पैसे ना अदा करने की सूरत में जो है सो उनके ऊपर 138 NA Act के तहत केस रजिस्टर किया गया है। और केस में समन जारी करने के बाद भी उन्होंने समन लेने से इनकार कर दिए। NBW इश्यू हुआ और NBW इश्यू होने के बाद उसको एग्जीक्यूट करें, ला के कोर्ट में पेश करें। उसके बाद जो है सो उनके दिफा के काउंसिल जो है सो बेल अप्लीकेशन डाले, हम उसका काउंटर भी डाले हैं। काउंटर डालने के बाद जो है सो जज साहब उनको जो है सो कंडीशनली छोड़े, बेल पे छोड़े और कंडीशन रखे हर पेशी को यहाँ से कंटिन्यू आया करो वरना जो है सो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा फिल वक्त उनको जो है सो रिहा कर दिया गया है। केस जारी है, केस पेंडिंग है। अभी बेल मिल गए, बेल मिल गए, फिल वक्त बेल मिल गई। आपका नाम है? आपका दली एडवोकेट। देखिए भाई, मैं आज से 2 साल पहले इनको पैसे दिया था। पैसे देने के बाद में 2 महीने का जी मेरे से टाइम लिए थे, 20 लाख रुपए दिया इनको। 2 महीने का टाइम में वापस करूँगा बोले। 2 महीने के बाद से जैसे उनको कंटिन्यू पूछते गया, उसके बावजूद भी जैसे नहीं दिए। हाँ आज दूंगा, कल दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा। उसके बाद में बोलते गए कि नहीं भाई, आप जो है मैं देता हूँ बाद में आपको, आप चका दे रहे हैं। कई कहा से दिए चका, ठीक है मैं देख जो होता देख रही है। मैं जमात का बड़ा आदमी हूँ भाई, और जमात से जैसे मेरे को फंसाने की कोशिश मत करो, तुम्हारे को मैं अंदर कर दूंगा भाई। इस तरीके से जैसे मेरे को ठाका डालते थे, और हर वक्त जैसे जब भी मैं घर को गया पूछने के बाद से पैसों को, तो बराबर यही बोलते गए कि नहीं भाई बाद में देता हूँ, बाद में देता हूँ, बाद में देता हूँ। इसी तरीके से बात करते थे। अब साल बाद देखे हैंड लोन लिए थे जो है बाद अब तक पूरे डॉक्यूमेंट लिखा के बोला इतना बड़ा अमाउंट है भाई मेरे को, इसकी श्योरिटी क्या होना बोले, तो ठीक है बोलिए कि 5-5 लाख के 4 चका दिए। कितने चका हुए पूरे? 4 के 4। नाम बोलो। मोहम्मद मुश्ताक मलिक, तहरीक मुस्लिम सपा की जो सदर है।